हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमूल और आप देख रहे हैं एमएम टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि आजकल मीडिया में बहुत चर्चा में रहते हैं, जैसे कि आइसोलेशन हो या फिर क्वारंटीन हो या होम क्वारंटीन हो, सोशल डिस्टेंसिंग और N95 मास्क, ये सब के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे ब्रीफली, ताकि आप जान सकें इन सब में डिफरेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करेंगे आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन किसे बोलते हैं? दोस्तों, वैसे तो आइसोलेशन को हिंदी में एकांत बोलते हैं, मतलब सबसे अलग। इसमें क्या होता है कि एक बंदा को अलग से एक रूम में रखा जाता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हॉस्पिटल में एक सेपरेट वार्ड होता है जिसको आइसोलेशन वार्ड बोलते हैं, उसमें एक सेपरेट रूम रहता है। सेपरेट रूम में एक बंदा को एक रूम में ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि उसको जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन उसके ख़त्म होने तक एक रूम में ही रखा जाता है उसको। दोस्तों, इसमें बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स हो या अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जो कि पेशेंट्स को चाहिए होता है, सारा फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल रहता है। इस वार्ड में अलग से टॉयलेट बोल सकते हैं या बाथरूम बोल सकते हैं, उसमें सेपरेट सा रहता है, ताकि इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो बाहर ना जाए, उस रूम में अटैच रहता है। दोस्तों, इस रूम के अंदर मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट हो या टेलीविज़न हो, सारा कुछ अलाउड है, क्योंकि वो बंदा अगर ठीक रहता है तो वो देख सकता है, उसका मनोरंजन के लिए हो या फिर उसका माइंड फ्रेश करने के लिए हो, सारा चीज़ को अब यूज़ में ला सकता है, क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अंदर सबको अलाउ किया जाता नहीं है, जैसे कि आपका कोई रिलेटिव्स हो या आपको कोई देखना है, इन लोगों को अलाउड नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ नीडी लोगों को अलाउ किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स हो या नर्सेस हो, वो भी जाते हैं तो वो स्पेशल ड्रेस में जाते हैं और N95 जो मास्क होता है उसको लगाते हुए अंदर जाते हैं। अब दोस्तों, आप सोचते होंगे ना, N95 मास्क क्या होता है? N95 मास्क जो है ना, वो मेडिकली अप्रूव्ड करके उसको डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि उसमें 95% वायरसेस जो हैं उसको वो ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इसका जो रूम का डोर है ना, हमेशा क्लोज रहता है, ताकि अंदर का हवा बाहर ना आए, बाहर का हवा अंदर ना जाए। दोस्तों, इस वार्ड को सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स जाते हैं जिनमें इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो, ताकि ट्रांसफ़र एक पर्सन से दूसरा पर्सन को ट्रांसफ़र होने जैसा बीमारी, जैसे कि अभी COVID-19 है, तो उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो कि इन्फेक्शन दूसरों तक ना फैलाएं। दोस्तों, इस वार्ड से तब इन्फेक्टेड पर्सन डिस्चार्ज होता है जब तक इसका दोबारा सैंपल लेके चेक ना कर दिया जाए कि ये इसका जो इन्फेक्शन है वो नेगेटिव हो गया है। फर्स्ट चेक करेंगे, नेगेटिव आया, फिर और एक बार चेक करेंगे, नेगेटिव आया, तब डिस्चार्ज करेंगे। इसका सिस्टम वही होता है। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे क्वारंटीन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन जान लीजिए कि इसको बोला जाता है क्वारंटीन, नॉट क्वारंटाइन। तो बहुत लोग हैं जो कि अब तक क्वारंटाइन बोलते हैं, एक्चुअली ये क्वारंटीन होता है, और इसका जो हिंदी मीनिंग है संगरोध। दोस्तों, क्वारंटीन वर्ड जो मेडिकल में रहता है ना, ये सेपरेट रूम नहीं रहता है। अगर इसमें एक रूम में बहुत सारा बेड्स होते हैं, जैसे कि वो बेड्स के अंदर में डिस्टेंस रहता है 1 मीटर या उससे ज़्यादा, ताकि इन्फेक्टेड पर्सन अगर वायरसेस उसके अंदर हो तो एक बंदा से दूसरे बंदा को ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसलिए उसमें गैप रखा जाता है। आइसोलेशन वार्ड में क्या, सिंगल रूम होता है, पर इसमें सिंगल रूम में 3-4 बेड भी गिर सकता है, पर उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, क्वारंटीन वार्ड में उन्हीं लोग जाते हैं जो कि सस्पेक्टेड हो, मतलब उनके ऊपर शक रहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। पर आपका जो आइसोलेशन वार्ड होता है, आइसोलेशन वार्ड में चेक करने के बाद जब उसको पॉजिटिव रहता है तब उसको आइसोलेशन वार्ड में लिया जाता है, पर क्वारंटीन में उन लोगों को लिया जाता है जो सस्पेक्ट होते हैं, जिनके ऊपर डाउट्स होते हैं। जैसे कि आपके फैमिली में किसी एक मेंबर को COVID-19 हुआ है, तो तब क्या करते हैं, आपका प्रशासन जो होता है अब सबको लेके क्वारंटीन में रखता है, इसलिए कि आपको समझ में आए कि आपको वायरस है या नहीं, उसको डिफाइन करने के लिए आपको रखता है, ताकि आप दूसरों तक ना फैला दें, फिर स्टेज 3 में फिर कन्वर्ट हो जाएगा ये। दोस्तों, क्वारंटीन का जो पीरियड होता है 14 डेज का होता है, पर आइसोलेशन का क्या है, 2 बार चेक होगा, जब तक वो नेगेटिव नहीं हुआ है तब तक रहेंगे। पर क्वारंटीन में क्या होता है, इसको 14 डेज तक रखते हैं, उसके बाद अगर देखते हैं इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है तो छोड़ देते हैं। दोस्तों, क्वारंटीन में भी सभी चीज़ें अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या टेलीविज़न फैसिलिटीज़ हो या इंटरनेट भी आप यूज़ करते हैं, सब यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। इसमें कुछ है नहीं कि आप ये यूज़ कर नहीं पाएंगे, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। डेली आपको चेकिंग किया जाएगा, डॉक्टर्स नर्सेस आकर आपको डेली चेकिंग करेंगे, आपको सारा फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होगा। अगर दोस्तों क्वारंटीन में रहते हुए अगर कोई बंदा पॉजिटिव पाया गया कोई वायरसेस से या फिर COVID-19 से, तो उसको फिर आइसोलेशन वार्ड को ट्रांसफ़र किया जाएगा,
है, क्योंकि वो दूसरों को इन्फेक्ट कर देगा। दोस्तों सेल्फ क्वारंटीन किसे कहते हैं? सेल्फ क्वारंटीन वो होता है, जैसे कि आपका मेडिकल में क्वारंटीन वर्ड होता है, उसी टाइप का एक रूम में घर पे रहते हुए आप अकेले अलग थलग एक रूम में रह सकते हैं, ताकि आप अगर सस्पेक्टेड हैं, ताकि आपका जो वायरसेस है दूसरे को ट्रांसफ़र हो ना जाए। इसका मतलब सीधा सा वही है कि आप सिंगल रूम में रहेंगे एहतियात के लिए 14 दिन तक। अब दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग किसे कहते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग सीधा सा वर्ड है, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यह है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करना। दोस्तों जैसे कि आपका ग्रुप मीटिंग हो, या स्कूल कॉलेज में जैसे गैदरिंग होकर जाते हैं, या फिर बस हो, ट्रेन हो, फ्लाइट्स हो, इन सब में क्या लोग जो होते हैं गैदरिंग होकर जाते हैं, तो ये सब को प्रोहिबिटेड करना, उसी को बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से जब मिलता है उसमें डिस्टेंस मेंटेन हो। दोस्तों जब सोशल डिस्टेंसिंग बोला जाता है गवर्नमेंट को द्वारा, तब आपको क्या करना पड़ता है? घर में रहना पड़ता है। घर में रहिए, खाइए, टीवी देखिए, इंटरनेट चलाइए, सब करना है, जो करना है आप कीजिए, पर घरों में ही रहिए। बाहर जाना अलाउड इसलिए नहीं होता है, बाहर जाएंगे तो दूसरे के संग मिलेंगे ना, तो प्रॉब्लम इसी चीज़ का है। अगर दोस्तों बाहर जाएंगे तो अगर एक बंदा से दूसरे बंदा को फैलेगा तो फिर स्टेज थ्री चला जाएगा। अगर स्टेज थ्री में एक बार गया ना, तो फिर कंट्री को इससे उभरना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।